ओके अब हम देखने वाले हैं प्लेटलेट्स प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। उसमें सबसे पहले डिसीज है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, इन शॉर्ट आईटीपी। लेकिन हम इडियोपैथिक टर्म यूज़ नहीं करते, अब यूज़ करते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा आईटीपी। अब इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन। ये क्यों है ये बाद में बताता हूँ। मतलब इसका कोई भी ऐसे स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं कर सकते, इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन। अब इस डिसीज में होता क्या है, इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून है तो मतलब एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी किसके अगेंस्ट, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट। यहाँ पे एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, जिसकी वजह से इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स बिकॉज द एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच आर GP2B3A। ओके, GP इट इज ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A एंड GP1B9। अभी ग्लाइकोप्रोटीन हमने कहाँ पे देखे थे, हीमोस्टेसिस में देखे थे। ये जो पहला वाला था GP1B9, ये क्या कर रहा था, अभी ये GP2B3A एंड GP1B9 अभी हमने कहाँ पे देखे थे, हीमोस्टेसिस में। जो सबसे पहला स्टेप था जो प्राइमरी हीमोस्टेटिक ब्लड फॉर्मेशन में प्लेटलेट एडिशन, उसमें क्या हो रहा था, वॉन विलिब्रन फैक्टर रिलीज हो रहा था फ्रॉम द कोलेजन। उसके पास रिसेप्टर होता है GP1B9 जिसके साथ प्लेटलेट आके चिपक जाता है, प्लेटलेट एडिशन होता है। तो एक इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डायरेक्टेड होंगे तो फिर प्लेटलेट एडिशन नहीं हो पाएगा। दूसरा है GP2B3A, वो क्या करता था, प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता था। मतलब प्लेटलेट एक दूसरे के साथ चिपक जाए उसके लिए हेल्प करता था GP2B3A। तो अब इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज आ जाएंगी, ये GP2B3A। अब इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी आ गए तो फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन भी नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट ये दोनों मेन स्टेप्स अफेक्ट हो जाएंगे तो फिर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी बेसिक पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी। इसमें देर इज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स ड्यू टू एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर GP1B9 GP2B3A। तो इसकी वजह से जो हीमोस्टेसिस के प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के जो स्टेप्स थे, प्लेटलेट एडिशन एंड एग्रीगेशन, वो नहीं हो पाएंगे, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। प्लस देर इज ऑल्सो एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज, तो फिर प्लेटलेट भी डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, प्लेटलेट का काउंट भी कम होता रहेगा। सो देर विल बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट्स फॉर्मेशन फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। मतलब ब्लड में मेगाकैरियोसाइट्स की काउंट बढ़ेगी क्योंकि प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो फिर प्लेटलेट फॉर्मेशन के लिए मेगाकैरियोसाइट्स की नंबर बढ़ती जाएगी और प्लेटलेट्स काउंट फिर भी कम होते रहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो होपफुली ये समझ आ गई होगी बेसिक पैथोजेनेसिस। अब टाइप्स ऑफ आईटीपी देखते हैं या फिर कॉजेज ऑफ आईटीपी। एक तो या ये प्राइमरी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली ये प्राइमरी होता है, या तो ये सेकेंडरी हो सकता है, सेकेंडरी ड्यू टू एनी अंडरलाइंग डिसीज लाइक SLE, HIV, हेपेटाइटिस सी वायरस। लेकिन अगर आईटीपी इज एसोसिएटेड विथ हीमोलिसिस, इट इज़ नोन एज इवांस सिंड्रोम। ओके, इवांस सिंड्रोम। तो हीमोलिसिस में हमें अनिमिया भी देखने को मिलेगा, अनिमिया के साथ साथ अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि ये शायद से इवांस सिंड्रोम हो सकता है। ओके, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, या तो एक्यूट हो सकता है या तो फिर क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट होता है मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन, क्रॉनिक होता है मोस्ट कॉमनली इन एडल्ट्स। अभी एक्यूट और क्रॉनिक के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। मतलब चिल्ड्रन में जो आईटीपी होगा उसमें कौन से सिम्टम्स या फीचर्स होंगे और एडल्ट टाइप में कौन से फीचर्स होंगे। तो ये चिल्ड्रन आईटीपी और ये एडल्ट्स आईटीपी, एक्यूट और ये क्रॉनिक। पीक ईयर्स 2 to 4 years इन चिल्ड्रन, इन एडल्ट्स में 15 to 40 years। सेक्स रेशियो इज इक्वल इन चिल्ड्रन, 1.2 to 1.7, मतलब फीमेल्स में ज़्यादा होता है एडल्ट टाइप। अब ऑनसेट अभी बोलता है चिल्ड्रन में एक्यूट होता है, वाइल इन एडल्ट्स इट इज़ इंसिडियस और क्रॉनिक ऑनसेट, जिसमें सिम्टम्स ज़्यादा देर तक लास्ट करते हैं। सिम्टम्स मोस्टली दोनों में सेम ही होता है, पर्प्यूरा वो एक स्किन लीजन होता है, पर्पल कलर की स्किन हो जाती है ड्यू टू ब्लीडिंग, अंडरलाइंग ब्लीडिंग। तो सिम्टम्स में सेम होगा पर्प्यूरा। प्लेटलेट काउंट भी सेम होंगे दोनों में, लेस देन 20,000। अब जो चिल्ड्रन टाइप आईटीपी होता है, इट इज़ लेस सीवियर और उसमें स्पॉन्टेनियस रेमिशन आ जाता है। मतलब अपने आप ही वो थोड़े टाइम में नियरली विद इन 6 months वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है, जबकि एडल्ट टाइप नहीं हो पाता। स्पॉन्टेनियस रेमिशन होता है इन चिल्ड्रन टाइप, नॉट इन एडल्ट। द रिस्पॉन्स टू स्प्लिनेक्टोमी ऑलमोस्ट सेम, रिकवरी अच्छी होती है इन चिल्ड्रन कंपेयर टू एडल्ट। ओके, और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का रेशियो भी
एडल्ट टाइप में ज़्यादा है। इन शॉर्ट एडल्ट टाइप सीवियरिटी में ज़्यादा होता है कम्पेयर टू चिल्ड्रन टाइप। अब कोई कोई ड्रग्स भी है, कोई कोई ने बहुत सारे ड्रग्स है विच कॉजेस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट लगे। अब फीचर्स क्या क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स हमने देखा एंटीबॉडीज अगेंस्ट GP2B एंड 3A एंड GP1B9 ऑन प्लेटलेट्स। इससे क्लिनिकल फीचर्स में मेन तो होगा वो परप्यूरा होगा, इन सबके इमेजेस भी दिखाता हूँ, परप्यूरा होगा, फिर पिटिकिया होगा, एकाइमायोसिस होगा, एकाइमायोसिस पैच, फिर गम ब्लीडिंग होगी, म्यूकोसल ब्लीडिंग होगी, फिर अगर पेरिफेरल स्मियर करेंगे तो उसमें हमें मेगाकेरियोसाइट्स का काउंट ज़्यादा दिखेगा और जो पहले से प्लेटलेट्स प्रेजेंट है उनकी साइज भी ज़्यादा दिखेगी, प्लेटलेट साइट्स इंक्रीज्ड, मेगाकेरियोसाइट्स का काउंट भी इंक्रीज्ड। ठीक है, फीचर्स है पिटिकिया, परप्यूरा, एकाइमायोसिस एंड गम ब्लीड्स एंड म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग। अब मैंने सबसे पहले बताया था इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन। ओके, अगर कोई भी डिसीज नहीं होगी हमें, अगर इन्वेस्टिगेशन से कोई भी दूसरी डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को ITP हो सकता है। तो इट रिक्वायर्स ओनली आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम होगा विदाउट एसोसिएटेड अनीमिया और ल्यूकोपिनिया विदाउट एनी अदर कॉज, कि दूसरा कोई कॉज नहीं मिल पा रहा, अनीमिया ल्यूकोपिनिया वो भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम है तो हम कह सकते हैं कि ये ITP हो सकता है। फिर यहाँ इवेल्यूएशन दिया हुआ है प्लेटलेट काउंट लेस देन 20,000 ये हमें मिला, फिर हम क्या करेंगे टोटल काउंट करवाएंगे, हीमोग्लोबिन काउंट करेंगे, अगर ये नॉर्मल हुआ तो हम कह सकते हैं या तो ये आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, क्या आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। फिर हम ब्लड स्मियर करेंगे, उसमें अगर सिस्टोसाइट्स मिली तो हम कहेंगे कि ये TTP है विच इज़ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा नॉट ITP। सिस्टोसाइट्स नहीं मिलने चाहिए हमें, क्या मिलना चाहिए मेगाकैरियोसाइट्स। और प्लेटलेट्स की साइज़ भी इंक्रीज होनी चाहिए, ये फाइंडिंग्स दिखेंगे हमें ऑन ITP। अगर सिस्टोसाइट्स मिले तो फिर ये TTP होगा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, या तो फिर ये हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, ब्लड स्मियर में फाइंडिंग्स ये मेगाकैरियोसाइट्स और इंक्रीज प्लेटलेट साइज, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी दूसरा कॉज नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये पेशेंट को ITP हो सकता है। सो इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन, ये इवेल्यूएशन ऑफ ITP। अब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे, एक तो रेड सेल इंडाइसिस वो देख लेंगे, वो भी सब नॉर्मल होंगे, सिर्फ प्लेटलेट की साइज इंक्रीज होगी और मेगाकैरियोसाइट्स प्रेजेंट होंगे ज़्यादा। फिर TLC वो भी नॉर्मल होगी, प्लेटलेट काउंट्स कम होंगे, सिर्फ प्लेटलेट काउंट्स कम होंगे। ब्लड स्मियर नॉर्मल भी दिख सकता है लेकिन हमें मैक्रोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स कम होंगे उनके नंबर, लेकिन प्लेटलेट्स की जो साइज़ होगी जितने भी प्रेजेंट होंगे उनकी साइज़ ज़्यादा होगी, तो वो दिखेगा मैक्रोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर बोन मैरो एस्पिरेशन में मेगाकैरियोसाइट्स देखेंगे, एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज भी दिख सकती है। फिर कूम्स टेस्ट हैज नो इंटरफेरेंस। फिर ब्लीडिंग टाइम BT CT वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। टॉर्निके टेस्ट ये पता नहीं क्या है, वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये इन शॉर्ट ये सारे इन्वेस्टिगेशन है, मेन है रेड सेल इंडाइसिस, TLC, प्लेटलेट काउंट इन शॉर्ट CBC, फिर ब्लड स्मियर, बोन मैरो एस्पिरेशन एंड BT CT, ये इन्वेस्टिगेशंस। अब हमें रूल आउट जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं वो भी रूल आउट करने पड़ेंगे, लाइक SLE, HIV, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन वो सब। तो हमने देख लिया पैथोजेनेसिस, इन्वेस्टिगेशन फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स और कॉज। अब देखते हैं मेन लास्ट में ट्रीटमेंट। अब ITP इन चिल्ड्रन पहले बताया था इट इज़ मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग विद इन 6 months अप्रॉक्सीमेटली। ITP इन एडल्ट इज मोर सीवियर कम्पेयर टू चिल्ड्रन, तो इसमें हमारा एम क्या होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करना मोर देन 30,000 ताकि ब्लीडिंग प्रिवेंट हो सके। एम शुड बी प्लेटलेट टू इंक्रीज प्लेटलेट मोर देन 30,000। इसकी थ्री लाइन थेरापी है। ये फ्लो चार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ITP, हमने डायग्नोसिस कर ली ITP की, इसमें अगर प्लेटलेट काउंट लेस देन 30,000 हुआ और ब्लीडिंग सिम्टम्स प्रेजेंट हुए फिर हम देंगे फर्स्ट लाइन थेरापी विच इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये फर्स्ट लाइन थेरापी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर प्लेटलेट काउंट मोर देन 30,000 और नो ब्लीडिंग तो फिर सिर्फ ऑब्जर्वेशन, नो ट्रीटमेंट। क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी ठीक नहीं हो रहा फिर भी प्लेटलेट काउंट लेस देन 30,000 और ब्लीडिंग सिम्टम्स सेवियर है फिर सेकेंड लाइन थेरापी हुआ स्प्लीनेक्टोमी ऑन रिटुक्सिमाब। ओके, ये स्प्लीनेक्टोमी एंड रिटुक्सिमाब, ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट।
फिर अगर इससे भी नहीं हुई तो फिर थर्ड लाइन ट्रीटमेंट जो कि एक है TPO मिमेटिक एजेंट, ये क्या है बाद में लिखते हैं, फिर दूसरी IV इम्यूनोग्लोबुलिन, फिर हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये थर्ड लाइन ट्रीटमेंट होगी TPO मिमेटिक एजेंट, IVIG, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट होगा, फर्स्ट लाइन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेकंड लाइन इज स्प्लेनेक्टोमी एंड रिटोक्सिमाब, थर्ड लाइन इज TPO मिमेटिक एजेंट, IV इम्यूनोग्लोबुलिन, हाई डोज CS कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब फर्स्ट लाइन हमने देखे क्या था, स्टीरॉयड था, मोस्ट स्टीरॉयड कौन सी यूज़ करेंगे मोस्ट कॉमनली, प्रेडनिसोलोन डोज 1 to 2 mg पर kg पर डे, फर्स्ट लाइन थेरेपी स्टीरॉयड्स। हम कंबाइन कर सकते हैं IVIG और NTD इम्यूनोग्लोबुलिन, लेकिन वो नहीं करते हैं, मोस्ट कॉमनली इट इज स्टीरॉयड्स, जस्ट स्टीरॉयड्स, उसमें प्रेडनिसोलोन। सेकेंड लाइन थेरेपी स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीनेक्टोमी के इंडिकेशंस क्या है, अगर स्टीरॉयड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पेशेंट, पेशेंट को हाई डोज स्टीरॉयड चाहिए या फिर लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज हुआ है पेशेंट को, तो हम करेंगे स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी क्यों करेंगे, क्योंकि स्प्लीन है वो है, इट इज़ अ साइट ऑफ प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, तो जो जितने भी प्रेजेंट होंगे प्लेटलेट्स बॉडी में वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो बच जाएंगे स्प्लीनेक्टोमी करने से, तो इसलिए स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। स्प्लीनेक्टोमी के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं डेक्सामिथाजोन एंड रिटोक्सिमाब, स्टीरॉयड देना हो तो दे सकते हैं लेकिन नहीं देते। रिटोक्सिमाब इट इज़ एन एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो याद रख लेना, सेकेंड लाइन में स्प्लीनेक्टोमी एंड रिटोक्सिमाब। फिर थर्ड लाइन ड्रग्स है, एक है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, फिर TPO एनालॉग्स या TPO मिमेटिक एजेंट, फिर IV इम्यूनोग्लोबुलिन, फिर NTD इम्यूनोग्लोबिन, प्लाज्मा फोरेसिस मतलब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, फिर लास्ट है हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में एजाथियोप्रिन, विंक्रिस्टिन, डेनाजोल, केडेप्सोन, साइक्लोफोसफेमाइड, ये सब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं पेशेंट को। फिर TPO एनालॉग्स दे सकते हैं, विच इज एल्ट्रोम्बोपैग एंड रोमीप्लास्टिम, ये TPO एनालॉग्स हो गए। फिर IV इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, NTD इम्यूनोग्लोबिन ओनली इन RH पॉजिटिव, फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ ITP। अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी हो ITP में, तो हम सीधा IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे, इमरजेंसी में सीधा IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन 30 mg पर kg ओवर 20 to 30 minutes। इसके साथ साथ हम कंबाइन करेंगे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन को। अब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में एक यूनिट इंक्रीज करता है प्लेटलेट काउंट को बाय 30,000 to 50,000 के, एक यूनिट, वन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 30,000 to 50,000 प्लेटलेट काउंट। तो ये थी पूरी ट्रीटमेंट ऑफ ITP।